आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन सा बुक आपको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चंस मेरे पास बहुत सारे हैं। ठीक है, तो पहले हम बायोलॉजी की बात करेंगे। तो बायोलॉजी में आपको पहले तो प्योरली एनसीईआरटी फॉलो करना है 100%। ठीक है, इसमें कोई कोताही नहीं बरतना है, 100% एनसीईआरटी होना चाहिए। पूरे थ्योरी को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद यदि आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं एनसीईआरटी में, तो एनसीईआरटी एट फिंगर जो टिप्स है वो अच्छी किताब है, जिसमें एनसीईआरटी बेस्ड मैक्सिमम क्वेश्चंस मिलेगी आपको, वो कीजिए। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना मस्ट है, वो तो आपको करना ही होगा। ठीक है, उसके बाद जो टॉपिक मैंने सजेस्ट किए हैं अपने बायोलॉजी वाले प्रीवियस वीडियोज़ में, जो कि आपको कोचिंग मटेरियल से पढ़ना है, कुछ कुछ टॉपिक्स, सब टॉपिक्स आपको बाहर से नहीं पढ़ना, ज़्यादा कुछ दो तीन टॉपिक मैंने उसमें डिस्क्राइब किया है वीडियो में, वो आप देखिए एक बार, उस टॉपिक्स को आप कोचिंग मटेरियल से पढ़िए। तो इसमें क्या हो गया, एनसीईआरटी पढ़ना है आपको, एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स लगाइए, और कोचिंग मटेरियल उन्हीं का पढ़ना है जो टॉपिक्स मैंने उस वीडियो में बताया है। ठीक है, अब आते हैं हम फिजिक्स में। फिजिक्स में आपको क्या करना है, पहले एनसीईआरटी का एग्जाम्पल्स और एमसीक्यू जो दिया गया एक्सरसाइज में वही लगाना है। ठीक है, एग्जाम्पल्स लगाने और एमसीक्यू एक्सरसाइज में जो एमसीक्यू दिया गया है वो लगाइए, उसके और ज़्यादा लगाने का जरूरत नहीं। आप लगा रहे हैं तो अच्छा बात है, एनसीईआरटी पूरा कर लीजिए तो ठीक है, नहीं तो कम से कम एमसीक्यू जरूर कीजिए जो एक्सरसाइज में दिया गया है, और एग्जाम्पल्स करना सारा। फिर कोचिंग मटेरियल जो दिया गया है वो अप्लाई कीजिए, जो भी आप एलएन आकाश जो भी कोचिंग मटेरियल दिया गया हो वो कीजिए। जेई मेंस कर सकते हैं यदि आपके पास टाइम है तो, क्योंकि मैंने जेई मेंस के बारे में बताया, जेई मेंस के क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होते हैं, मेरा जेई मेंस वाला वीडियो देखिए, उसमें मैंने बताया ऐसा। ठीक है, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर एम्स नीट जिपमर ये कीजिए, इससे ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर नीट जिपमर, और यदि उसके बाद भी टाइम बचता है तो आप कोई बुक कर सकते हैं जो आपको मन करे, जो आपकी इच्छा पर हो। ठीक है, डीसी पांडे हो, कुछ भी हो। फिर आते हैं हम केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में पहला तो एनसीईआरटी पढ़िए, फिर क्लास नोट्स पढ़िए। ठीक है, एनसीईआरटी में उतना डिटेल नहीं पढ़ना, लेकिन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में डिटेल पढ़ लीजिएगा, क्लास नोट्स जरूरी है, और कोचिंग मटेरियल फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस। कोचिंग मटेरियल में जितना कंटेंट दिया गया है वो थ्योरिटिकल आपको नहीं पढ़ने पूरे कंटेंट। ठीक है, उसमें बस वही कंटेंट, सारे कंटेंट नहीं पढ़ने, पर तो कोचिंग मटेरियल के थ्योरिटिकल कंटेंट। हाँ, कोचिंग मटेरियल आपको यूज करना है सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो कोचिंग मटेरियल का आपको यूज करना है किसके लिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए यूज करना है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस दिए वो प्रैक्टिस कीजिए आप उससे। फिर प्रीवियस क्वेश्चन इसमें भी करना है, टाइम मिले तो इसमें भी जेई मेंस कर लीजिए, और आपके पास कोई अदर बुक हो तो वो भी प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, इतना कीजिए आप इसमें। छुट्टियाँ फंसा दिया।